कुर्सी की पेटी का ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लेट्स गो। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। डिंचवा मालिक जी पेटी, ये उनका ओरिजिनल फोटो है। ये आदमी ना ब्रिटिशर्स के जमाने में इंडिया का रईस रईस आदमी था, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टेक्सटाइल, यहां तक कि पहली इंडिया की टेक्सटाइल मिल भी आदमी ने बनाई थी। तो इसने इंडिया में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल खोली और उन टेक्सटाइल मिल से इसको तगड़े लेवल पे डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आता था। इनकम ही इनकम, पैसा ही पैसा। और ये इतना पैसा आता था तो टैक्स भी उतना ही लगता था, और जब टैक्स लगता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेहनत से तुम कमाओ, 30% गवर्नमेंट लेके जाए। इमेजिन करो तुमने 1,00,000 रुपये कमाया, गवर्नमेंट उसमें से 30,000 बिना कुछ चले के चले गए, अच्छा लगेगा? और तुमको फीलिंग ही नहीं आ रहा, जब एक्चुअली होगा तब देखना क्या होगा। ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है, मैं तो गद्दों से मेहनत करो, बेटर गवर्नमेंट भी जाएगी। ठीक है, और ये आदमी को तगड़ा इनकम लगा रहा है। तो इसने ढूंढना शुरू किया कि भाई ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे टैक्स बच सकता है। तो उसको एक तरीका मिला, जिस तरीके में लिखा था कि जो आपको इनकम आ रहा है वही इनकम आप नई कंपनीज बनाने में लगा दो। गवर्नमेंट का भी पॉलिसी होता है कि इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, कंपनीज बढ़नी चाहिए, तो जो आपको इनकम आ रहा है वो नए कंपनीज बनाने में आप लगा दो। तो जितना इनकम आप कंपनी बनाने के लिए लगाओगे, जितना कैपिटल आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे नए बिजनेस के लिए, वो पूरा का पूरा इनकम आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री। जैसे ही दिनशा जी को पता चला, दिनशा जी ने दिमाग लगाया, दिनशा जी ने चार प्राइवेट सूर्य थे जाको जाको, हाँ और भी कॉर्नर में बैठो, नींद लग गई उनसे, गिर बैठो, सोना नहीं ऐसे क्लास में, पाप है क्लास में सोना, पाप है, पाप का बात है क्लास में सोने का। अच्छा नींद लगी ना, अच्छा पानी पीना, मैं पढ़ूंगा बोलना, समझ में आया सबको? और कोई सोया है उसके साइड वाले को मालूम याद रखना, साइड वाले की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बाजू वाले सोया है ना, टेंशन समझ में आ रहा है सबको, बोलो आया है ना, और किसी को साइड वाले को पिटाना है तो सो जाना। ठीक है, पूरा मतलब मैडम देखो है। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो दिनशा मैनेजर बेटे, बैक टू केस लॉ। दिनशा मैनेजर बेटे ने चार कंपनियां बनाई, कितनी कंपनियां बनाई? बोले मैं पूरा का पूरा जितना इनकम मिल रहा है चार कंपनी में डालूंगा एज ए कैपिटल, पूरा इनकम चार कंपनी में डालूंगा सब टैक्स। तो उन्होंने लिटरली पूरा इनकम लिया कंपनीज में।